नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अब दोस्तों, बीते कुछ दिनों में आपने मेरे चैनल पर एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस देखी होंगी, जहां पर आप लोगों ने काफी डीपली नॉलेज भी गेन की होगी कि एडवर्स पोजेशन होता क्या है, किस स्थिति में आप उस प्रतिकूल कब्जे को अपने फेवर में ले सकते हैं, यानी कि अगर आप टाइटल ओनर है, आप संपत्ति के मालिक है, तो किस स्थिति में आप उस कब्जे को यहां पर अपने पास वापस पा सकते हैं, चाहे वो कोई ट्रेसपासर हो, मैच्योर्ड पोजेशन में हो, एडवर्स पोजेशन में हो। ये सारी चीज मैंने अपनी पिछली कुछ 2 से 3 वीडियोस के अंदर क्लियर की है दोस्तों। अब इसके अलावा देखिए, जब भी बात आती है कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो देखिए 2 चीज आपको यहां पर जरूर दिमाग में आती होगी कि आप अगर उससे अब अपनी वो संपत्ति वापस पाएंगे तो आपको सिविल प्रोसीडिंग्स के तहत कोर्ट में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, और दूसरी चीज, क्या वो कब्जा कर लेने से मालिक तो नहीं बन जाएगा। अब वो मालिक बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज मैं अपनी पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि कौन सा कानून है, कौन सा प्रोविजन है जिसके तहत वो यहाँ पर टाइटल होल्डर बन सकता है, कौन सा कानून है जिसके तहत आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, रिलेटेड जजमेंट्स क्या है, ये सारी चीज आपको ऑलरेडी मैंने कल के क्लियर दे दी है। अब क्या वो व्यक्ति जिसने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है वो वहां पर कोर्ट से स्टे ले सकता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, स्टे 2 प्रकार के होते हैं, परपेचुअल इंजंक्शन या फिर हम जिसे कह सकते हैं परमानेंट इंजंक्शन। वैसे तो 4 से 5 तरह के स्टे मेनली माने जाते हैं, बट बेसिकली इन 2 को वहां पर मेनली देखा गया है। एक होता है परमानेंट इंजंक्शन और दूसरा होता है टेम्पररी, जिसे हम परपेचुअल इंजंक्शन भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज हम आज आपको क्लियर करके देने वाले हैं। क्या एक कब्जा धारक आपकी प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा कर लिया है, चाहे वो ट्रेसपासर है यानी कि जिसने हाल फिलहाल में कब्जा किया है, या फिर वो है जिसका वहां पर मैच्योर या सेटल्ड पोजेशन हो चुका है, एंड द लास्ट थिंग, क्या उसका वहां पर एडवर्स पोजेशन हो चुका है, तो इस स्थिति में वो वहां पर पोजेशन करके अपने फेवर में इंजंक्शन सूट ले सकता है? ये सारी चीज अब आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करके मैं देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर एक कब्जा धारक आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके वहां पर स्टे अपने फेवर में ले गया, और यकीन मानो 4 से 5 साल उसने यहां पर कोर्ट में लंबा केस चला दिया, तो ये वैसे भी ऑलरेडी आप लोगों को नुकसान यहां पर साइड बाय साइड करा देगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या उपाय है, ये भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करके देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम सभी आप सभी लोगों के लिए यहां पर रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को ये चीज क्लियर करके दे दी जाए कि आखिरकार इंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, टेम्पररी और परमानेंट इंजंक्शन, अगर आप यहां पर सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में जाते हैं, तो वहां पर आपको टेम्पररी इंजंक्शन से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे, और वहीं अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजन पर नजर डालेंगे तो वहां पर आपको परमानेंट इंजंक्शन से रिलेटेड वहां पर प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, बात आती है क्या एक ट्रेसपासर यानी कि एक कब्जा धारक आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने लेने के बाद कोर्ट से स्टे ले सकता है? क्योंकि देखिए, अगर उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया तो यहां पर दिक्कत तो असल मालिक को आएगी। कल तक उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ही नहीं था, आज उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया, कोर्ट से स्टे ले लिया गया, अब तो आप ही कुछ कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो भी अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको 3 अलग सिचुएशन यहां पर देखनी होगी। पहली कंडीशन वो जब यहां पर एक ट्रेसपासर आपकी प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश कर रहा है या फिर अभी अभी एस्टेब्लिश हुआ है, वो क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने रिसेंट में ही कब्जा किया है, और जैसे ही आपकी नॉलेज में आया, चाहे 1 हफ्ते बाद, चाहे 15 दिन बाद, आपने वहां पर उसको उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया। अब देखिए, देखने वाली बात यह है, क्या उसे अगर वहां से बाहर निकाला गया तो क्या वो सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी पर पोजेशन वापस पा सकता है? अब ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहां पर वो ट्रेसपासर है यानी कि कब्जा धारक है, इस कंडीशन में क्या उसको वहां पर कब्जा वापस मिल जाएगा? अब ये चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, अब यहां पर कोई व्यक्ति अगर ट्रेसपासर है तो उसको हम यही मानेंगे कि उसने आपकी प्रॉपर्टी पर अनलॉफुल पोजेशन किया है, यानी कि कानून के अंदर उसको यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। अगर उसके पास कोई लीगल राइट है, कोई उसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट है या कोई अलग अथॉरिटी है कि वो आपकी प्रॉपर्टी पर आकर रह सकता है, तो ऐसी कंडीशन में
वो कोर्ट में जाए, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट डाले, सूट फॉर पोजेशन डाले, फैमिली मेंबर है पार्टीशन सूट डाले, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। बट पर वो यहां पर एक प्रॉपर्टी पर आकर अवैध कब्जा नहीं कर सकता, अनलॉफुल पोजेशन नहीं कर सकता। अगर वो अनलॉफुल पोजेशन कर लेता है तो आपके पास ये अधिकार बनता है कि वो ट्रेसपासर है, कि आप उसे रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी से बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। पूना राम वर्सिज मोती राम की जजमेंट में भी ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी। इसके अलावा आप लोगों से मैं एक जजमेंट और क्लियर कर दूं ताकि आपको ये कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिए, दोस्तों आपको यहां पर डिस्प्ले पर जजमेंट दिखाई देगी, शिव कुमार चड्डा वर्सिज एमसीडी मनु, सिटुएशन नंबर जो है 0522-1993। यहां पर यही चीज की गई थी कि अपीलियंट हु वाज अ ट्रेसपासर, यानी कि जो इंजंक्शन डिमांड कर रहा है कोर्ट से, जो अपीलियंट है वो अगर ट्रेसपासर है तो ऐसी कंडीशन में उसको ट्रू ओनर के अगेंस्ट में इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि वो वहां पर अनलॉफुल पोजेशन में था, उसको कोई लीगल अथॉरिटी तो नहीं थी उस प्रॉपर्टी पर रहने की। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों को मैं क्लियर करके दे दूं, जहां पर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर क्या यहां पर कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाने के बहाने से ये चीज कहा जा सकता है कि कोर्ट में सर केस चलता रहे, जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तब तक हमारे फेवर में स्टे दे दिया जाए? क्योंकि ये चीज तो देखी जाती है कि सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके खाली कराए, जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तब तक हमारे फेवर में स्टे दे दे, क्या ये चीज अलाउड होगी? ये चीज मैं अब आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई देगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी यूज टू प्रोटेक्ट और परपेचुएट अ रॉन्ग कमिटमेंट बाय अ पर्सन हु अप्रोचेस द कोर्ट। यहां पर ये जो रेफरेंस की गई थी ये थी दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह मनु, सुप्रीम कोर्ट 0715-1991। यानी कि दोस्तों जुडिशियल प्रोसीडिंग का बहाना लेकर आप कोर्ट से कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करा सकते। आप कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि सर मेरा यहां पर पोजेशन था, मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे वापस वहां पर स्टे देकर पोजेशन में लाओ और जुडिशियल प्रोसीडिंग चला देते हैं। जिसके भी पक्ष में आएगा बाद में वो प्रॉपर्टी ले लेगा। अब ये चीज तो कोर्ट भी जानता है कि यहां पर फैसला आने में तो 4-5 साल 6 साल भी लग सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो रियल ओनर है उसको तो लॉस हो जाएगा। तो ये जजमेंट दोस्तों आप लोगों के लिए उस स्थिति में बहुत बेनिफिट आएगी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का कोई बहाना बनाते हुए ये चीज नहीं कह सकता कि यहां पर मैं अनलॉफुल पोजेशन में था और मुझे यहां पर पोजेशन वापिस देकर स्टे दे दे और जब कोर्ट का फैसला आएगा तब मैं ये चीज मान लूंगा कि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दूसरी सिचुएशन भी अराइज होती है। हमने तो पहले बात करी ट्रेसपासर की, सेकंड कंडीशन आती है दोस्तों यहां पर अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर सेटल्ड और मैच्योर पोजीशन में है। देखिए सेटल्ड और मैच्योर पोजीशन वो होता है जब किसी को आपकी प्रॉपर्टी पर रहते लंबा समय हो गया, चाहे वो 8 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 12 साल हो, उसको हम ये चीज कहेंगे कि वो आपकी प्रॉपर्टी पर सेटल्ड पोजीशन में है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, क्या उसको बलपूर्वक का बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं या फिर वो इसका फायदा उठाकर यहां पर कोर्ट में जाकर स्टे ले सकता है? ये चीज मैं अब आपको क्लियर करके देने वाला हूं। देखिए, अब हम यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट में देखिए तो वहां पर यही चीज लिखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर सेटल्ड पोजेशन पर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके ही बाहर निकाले, यानी कि आप उसको कानून का सहारा लेते हुए ही कोर्ट से बाहर निकाले। कानून का सहारा मतलब आपको एक सिविल कोर्ट में जाकर सूट फॉर पोजेशन डालना पड़ेगा, वही आपको 3-5 साल वहां पर उस प्रॉपर्टी को खाली करने में लगेंगे और फिर उसके बाद आपको वो प्रॉपर्टी आपकी वापस मिलेगी। इस बीच अगर दूसरी पार्टी ये कहती है भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं ओनर हूं, तो वहां पर एक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट एडिशन में डाला जाएगा ताकि ये चीज क्लियर की जाए कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है, रियल टाइटल किसके फेवर में है। अब दोस्तों उसके बाद ही यहां पर इस चीज से फैसला होगा कि प्रॉपर्टी पर पोजेशन में कौन रहेगा और प्रॉपर्टी का टाइटल किसके फेवर में जाएगा। इस चीज से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप डिस्प्ले पर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जजमेंट का नाम है यहां पर अंथुला सुधाकर वर्सेस पी ब्यूची रेडी डिकीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, सिटुएशन नंबर अगर आप जानना चाहे सिविल अपील नंबर 6191/2001। और जो मैटर डिसाइड किया गया था ये था 25 मार्च 2008 को। अब देखिए दोस्तों इस जजमेंट में क्या क्लियर किया गया, डिस्प्ले पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वेयर अ प्लेंटिफ इज इन लॉफुल और पीसफुल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। जब भी कोई प्लेंटिफ या फिर हम कब्जेदार यहां पर मान लेते हैं सिचुएशन में एक पीसफुल और लॉफुल पोजेशन में प्रॉपर्टी के, एंड सच पोजेशन इज इंटरफेयर और थ्रेटन बाय द डिफेंडेंट, और उस पोजेशन को वहां से हटाने के लिए डिफेंडेंट ट्राई कर रहा है दूसरी पार्टी, चाहे वो असल मालिक ही क्यों ना हो, अ सूट फॉर इंजंक्शन सिंपली सेड विल लाई। अब ऐसी कंडीशन में जो सूट फॉर इंजंक्शन है क्या वो लाई करेगा? यहां पर ध्यान दें, अ पर्सन हैज टू राइट हिज पोजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन हु डज नॉट प्रूव बेटर टाइटल बाय सीकिंग अ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, बट अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन इज नॉट एंटाइटल टू इंजंक्शन अगेंस्ट अ ट्रू ओनर।
यानी कि दोस्तों, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर मैच्योर पोजेशन पर भी है, ऐसी स्थिति में भी अगर आप संपत्ति के असल मालिक हैं तो वो आपके खिलाफ यहाँ पर स्टे की डिमांड नहीं करेगा। कारण, क्योंकि प्रॉपर्टी के ओनर के अगेंस्ट में ही, क्योंकि आपका उसके कंपेरिजन में बेटर टाइटल है, वो वहां पर कब्जे में है, किस सिचुएशन में है, क्या उसके पास कोई सेल एग्रीमेंट है, क्या उसके पास कोई सेल डीड है, क्या विल वसीयत है, क्या कोई गिफ्ट डीड है, नहीं है, फिर भी कब्जा करके बैठा है, यानी कि कोई इलीगल अनलॉफुल पोजेशन है। अब ऐसी कंडीशन में वो रियल ओनर के अगेंस्ट में तो नहीं जा सकता पोजेशन लेने के लिए। ये चीज यहां पर इस जजमेंट से आपको मैंने क्लियर करके दे दी है। अब दोस्तों, वीडियो के सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया जाता है, एडवर्स पोजेशन। क्या प्रतिकूल कब्जा हो जाने से आप प्रॉपर्टी से दूर हो जाएंगे, क्या वो आपके खिलाफ कोर्ट से स्टे ले सकता है? अब ये टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, बड़ी ध्यान से, समझदारी से आपको ये टॉपिक अब क्लियर करना होगा। अब देखिए दोस्तों, किसी को भी आपकी प्रॉपर्टी पर रहते हुए 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब ऐसी कंडीशन में अगर हम आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखते हैं तो वो वहां पर राइटफुल ओनर के अगेंस्ट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि 12 साल के बाद जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, राइटफुल ओनर है, उसके पास ये राइट खत्म हो जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर से वापस क्लेम कर सके। अब ऐसी सिचुएशन में जो कब्जाधारी है वो वहां पर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट कर सकता है आगे से जाते हुए, किस बेस पर? आर्टिकल 65 एडवर्स पोजेशन के बेस पर। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या वो वहां पर कोर्ट से स्टे ले पाएगा? क्योंकि देखने वाली बात है कि भाई उसे तो 12 साल से ज्यादा हो गए हैं, और कानून भी ये चीज कहता है कि 12 साल से ज्यादा अगर हो चुके हैं तो वहां पर उसका एडवर्स पोजेशन हो जाएगा और वो वहां पर कोर्ट से मालिकाना हक फिर प्रॉपर्टी पर पा सकता है। अब ये चीज देखते हैं। देखिए, 12 साल पूरे होने के बाद उसने डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो और दूसरी पार्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, वो दोनों प्रॉपर्टी पर अपना बेटर टाइटल साबित करेगी कि किसका ज्यादा बेहतर मालिकाना हक है। वो कैसे साबित किया जाएगा? कब्जाधार ये दिखाएगा कि एडवर्स पोजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जितने भी एसेंशियल पॉइंट है मेरे यहां पर पूरे हो रहे हैं, और रियल ओनर ये दिखाने की कोशिश करेगा कि यहां पर कोई पॉइंट एबसेंट है, जैसे कि होस्टाइल पोजेशन नहीं था, एक्चुअल नहीं था, हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव नहीं था, कोई भी पॉइंट यहां पर रियल ओनर उसके अगेंस्ट में, यानी कि एडवर्स पोजेशन के अगेंस्ट में दिखाना चाहेगा। बेसिकली अब यहां पर प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर विवाद हो रहा है। सूट फॉर पोजेशन जो है वो भले ही अमेंड करके डाला जाए, साथ में डाला जाए, बट फिलहाल में जो यहां पर कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर चलेगा, क्योंकि 12 साल के बाद रियल ओनर टाइटल क्लेम नहीं कर सकता। अब इस चीज से रिलेटेड जजमेंट है दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई देगी, आपको क्लियरली समझना होगा। यहां से देखिए, जजमेंट का नाम है दोस्तों, पधियार प्रहलाद जी चेनाजी डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस मनी भाई जगदम्बा भाई डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, साल 2022 की जजमेंट है। इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर की गई है। देखिए, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, वंस द डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू टाइटल इज सेटल्ड एंड इट इज हेल्ड अगेंस्ट द प्लेंटिफ, देन द सूट बाय द प्लेंटिफ फॉर परमानेंट इंजंक्शन शैल नॉट बी मेंटेनेबल अगेंस्ट द ट्रू और एब्सोल्यूट ओनर। यानी कि अगर डिक्लेरेशन और टाइटल सूट कर भी दिया कब्जेदार ने, और ऐसी कंडीशन में वो उसके अगेंस्ट में चला गया, यानी कि कब्जेदार हार गया, ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि यहां पर एडवर्स पोजीशन था, तो वो वहां पर उसके बाद कोर्ट से परमानेंट स्टे नहीं मांग सकता कि सर मेरा कब्जा, मुझे स्टे ही रखे जाए, मैं तो 12-15 सालों से कब्जे में हूं, इतना लंबा सालों से मेरा कब्जा है तो मुझे परमानेंट स्टे दे दिया जाए। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर रियल ओनर के फेवर में यहां पर टाइटल सूट आ जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट, तो उसके बाद जो प्लेंटिफ है, यानी कि जो कब्जा धारक होगा उस स्थिति में, वो वहां पर परमानेंट स्टे की मांग नहीं करेगा, ये यहां पर ट्रू ओनर्स के राइट का हनन हो जाएगा। ये चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी इस जजमेंट के अंदर दोस्तों। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैंने तीनों पॉइंट आपको क्लियर करके दिए कि ट्रेसपास की सिचुएशन में क्या होता है, मैच्योर्ड और सेटल पोजेशन की सिचुएशन में क्या होता है, और एडवर्स पोजेशन की सिचुएशन में क्या होता है, किस सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी पर कब्जा धारक है, पोजेशन होल्डर है, रियल ओनर के अगेंस्ट में यहां पर स्टे ला सकता है। अब ये सारी चीज मैंने आपको दोस्तों बहुत डीपली रिसर्च करके क्लियर की है। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आपसे केवल छोटा सा अनुरोध रहता है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आप कहां से हैं, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, जो भी आप कमेंट करना चाहें। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें,